तो आप लोग उम्र के हिसाब से लाइन से खड़े हो जाइए, कौन सबसे बड़ी है। तो ये इनकी सबसे बड़ी दीदी, छोटी दीदी, ये उनसे छोटी और ये सबसे छोटी। तो अब मैं ये बताऊं कि निशी लोग जो है ना, लड़कियों का नाम वाई से रखते हैं, और ये इनके नाम जरा सुनिएगा, यना, यमा, येमी, यपा। तो ये जो सबसे बड़ी जो है ना, ये सुबह इसको इनको हिंदी बोलते हुए हमने सुना था, वो बड़ी बड़ा ही मज़ेदार है, थोड़ा बहुत आता है इसको हिंदी, और इनकी हिंदी हमने ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी। उम्मीद करते हैं कि इसकी हिंदी सुनने को मिलेगी आगे यात्रा में। तो ये तो बोल ही लेती है, ये भी बोल ही लेती है। इसने इसने हिंदी बोला है, क्या बोला था, क्या बोला था? तोरा तोरा जानता है। ये है हमारे सुपर टैलेंटेड डायरेक्टर रिकेन गोमले जी, एयरपोर्ट में मिले हैं हम लोग। आप भी दिल्ली जा रहे दिल्ली हैं जा रहे हैं, साथ चलते हैं, वेरी तो नाइस। मैं जा रही क्या दिल्ली? नो भी फर्स्ट टाइम? हम तो पहले जा चुका है, या घोलोंगी से तो कभी गया ही नहीं। फर्स्ट टाइम? नहीं, फ्लाइट में फर्स्ट टाइम तुम ना। और ये नेक्स्ट वाई यमंग फ्लाइट में फर्स्ट टाइम? नहीं, 3 बार हो जाएगा। 3 बार हो गया, वाह, एक्सपीरियंस है। और आपकी हिंदी सुनना है, आप पहली बार जा रहे क्या? हाँ, फ्लाइट पहले बार जा रहा है। ओयो इसको अभी हिंदी बोलना है, पहली बार जा रहे क्या? हाँ, ठीक है। तो बहुत दिल धक धक हो रहा है, क्या करेगा? अच्छा लगा था, डर लगा था, आसमान से उतर गया, बहुत हल्का हो गया। जय जीसु, जय जीसु। ये इधर से क्यों भाग गए? अपा। तो मैडम, आप अपना आई कार्ड नहीं ला के, अपना पति का आई कार्ड लेके कैसे चलने वाले थे? हाँ, भूल गए। कल फोन करके आपको बताने देगा। हाँ, आप आओ ना। तो आप लोग आज कहाँ जा रहे हैं? ताजमहल जा रहे हैं। ताजमहल, प्यार का वो ही सब देखने हैं। तो कल ये हमने सुना है कि हम तो साथ में नहीं थे कल, तो इन्होंने कल जो है ना एक हिंदी बोला ड्राइवर को कि गाड़ी को सीधा नहीं ले जाते हैं। तो उसको निशी में क्या बोल रही थी? तुगु बागा। ए ड्राइवर, क्यों तुगु बागो करके? मतलब तेरा मेरा करके क्यों ले जा रहे, सीधा नहीं ले जा रहे, ऐसा कहा? बुरियानी। तो आज बुरानी खाएगा ना, तुग बागो जाएगा रास्ता। जो डोसा खाने दिया था, खा के नहीं दिखने वाला को खाएगा बोल के डोसा मंगाया है हम। जो डोसा को डोसा बोला, डोसा मतलब बैठ, चलो बैठते हैं। इस फिल्म का नाम जो है ना, इस फिल्म का नाम जो है, पहले तो रखा था मलकिन चली दिल्ली, लेकिन जर्नी में चलते चलते हमने अपना एक्सपीरियंस से और आप लोगों के साथ चलते चलते बहुत सी चीजें हमने देखी और समझी, तो हमको लगा कि फिल्म का नाम बदल देना चाहिए। तो फिल्म का नाम हम रखेंगे वाई चली दिल्ली हिंदी बोलने। ठीक है, ठीक है, वाई इसलिए क्योंकि आप सभी का नाम वाई से आ रहा है। या ना, या माँ,
ये यमंग और वो दूसरी गाड़ी में जो पीछे आ रही है उसमें आगे, हाँ अच्छा आगे आगे उसमें है यमी और यपा, तो सभी वही से हैं, इसलिए हमने फिल्म का नाम रख दिया है वही चली दल्ही हिंदी बोलने। ये इन दोनों की शादी लगभग 10-11 या 8-9 साल की उम्र में हुई होंगी दोनों की, तो इसलिए इनको पढ़ने लिखने का भी मौका नहीं मिला, और जाहिर है जब पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला है तो बहुत सारी चीज़ों को ये नहीं जानते। तो आज हम ये ताजमहल देखने जा रहे हैं, तो आप दोनों की शादी, तो शादी क्या होती है नहीं मालूम था, तभी शादी हुई, तो प्यार मोहब्बत क्या होता है, ये आपके पति से तो प्यार करते हैं आप लोग, आपके पति भी आप दोनों से प्यार करते हैं? प्यार करते हैं? हाँ करते हैं। तो आज हम उस जगह को देखने जा रहे हैं जिसमें पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और जब पत्नी मर गई तो अपनी पत्नी की याद में उनका जो डेड बॉडी है ना, डेड बॉडी मतलब उसका जो मरने के बाद का जो बॉडी है जहाँ पर उसको रखा, और उस जगह को जिस निशी में हम लोग न्यूब्यूंग बोलते हैं ना, न्यूब्यूंग को बहुत सुंदर महल बनाया है, तो पूरी दुनिया, पूरी पूरी दुनिया ना उसको देखने आते हैं। वो सुंदर जगह, तो अच्छी बात ये कि, अच्छा मुझे आप दोनों एक एक बात बताओ, आप दोनों की शादी इतनी कम उम्र में हुई, आप अपने माँ पिता से नाराज़ हैं? नाराज तो नहीं है, अभी हम दोनों, हमको तो बहुत पति प्यार करता है। अच्छा, नाराज तो नहीं है, पहले नाराज था, माँ पिताजी को हम प्यार नहीं था, और माँ पिताजी है सोचता है लेकिन दिल से प्यार नहीं है, अभी सोचता है प्यार करना है। क्योंकि, और आप अपने माँ बाप को माफ किया? तो इन्होंने कहा है कि बहुत सुंदर बात कही इन्होंने कि इनकी शादी बहुत कम उम्र में माँ बाप ने करवाया, उसको लेकर ये दोनों शुरू में अपने माता पिता से बहुत नाराज़ थी, और इन्होंने कहा कि अपने माता पिता से प्यार भी नहीं रहा कुछ समय, लेकिन अब ये लोग जो है अपने माता पिता को बहुत प्यार करते हैं और उनको माफ़ कर दिया। इन्होंने कहा कि माफ़ इसलिए किया क्योंकि जो कुछ भी था माता पिता ने भी गलत समझ के, गलत सोच के नहीं किया, क्योंकि वो एक ट्रेडिशन था, वो एक परंपरा थी, और उसके मुताबिक जब वे कर रहे थे तो अपने बच्चे के साथ बुरा करने के मकसद से नहीं किया था, अच्छा ही समझकर, क्योंकि सोसाइटी कल्चर ही ऐसा था कुछ समय पहले ही, तो उसी के अनुसार, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि वे गलत कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात थी कि आप दोनों ने उन लोगों को माफ़ कर दिया है ना। क्या अब आप अपने बच्चों को ऐसा तो नहीं करेंगे? नहीं, उसको तो नहीं करेगा अपना बच्चा को, हम जैसे देख रहे थे ऐसे करने नहीं देगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम लोग का जो जर्नी है वो ये है कि आप लोगों को पहली बार जो 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 चीज़ें आपने नहीं देखी उसको हम दिखाने जा रहे हैं, और इस रास्ते में आप लोगों के साथ खूब हंसी मजाक, आपकी जो 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 चीज़ें पहली बार आप चीज़ों को देख रहे हैं और नहीं समझ रहे हैं तो उसमें हम लोग मस्ती ले रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हम आप लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग खुद ही दीदी बहने हैं। हम पहली बार पढ़े लिखे होने से भी, जितने भी आप पढ़े लिखे होने से भी पहली बार जब चीज़ों को देखते हैं तो ऐसा ही होता है, हम हर चीज़ को नहीं जानते हैं। मैं पढ़ी लिखी हूँ लेकिन मैं भी किसी चीज़ को पहली बार देखती हूँ तो मैं भी ऐसे ही होती हूँ, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, है ना।
अब आप अपने अपने आप को अपने आप पर हंसने की हिम्मत जिन लोगों में होती है उनको कोई दुखी नहीं कर सकता, उनका कोई अपमान नहीं कर सकता। कोई अपमान करेगा भी तो क्योंकि हम खुद ही खुद पर जोक करते हैं, मस्ती करते हैं, तो कोई हमारा मजाक भी उड़ाए तो हमें क्या दुख होगा, है ना। दिल बड़ा होना चाहिए। तो ये आगे जो बैठी हैं वही से या ना, सब पीछे देखिए मैडम, आपको कैसा रहा, आपका कल कैसा रहा जर्नी? अच्छा है। अच्छा है, क्या क्या देखा कल? क्या महल देखा था? एक महल देखा था, दिल्ली हट देखा, महल नहीं मॉल, मॉल बोला बुतर सुदा बुतर चीला चीला लो ची हक दनी ओ के पुतर अला के नाना ब। तो ये कह रही हैं कि जहाँ इनकी शादी हुई, इनके पति का जो बस्ती गांव, तो वहाँ खाने पीने को लेकर के बहुत परेशानियाँ समस्याएं थी, और जो जंगली केले होते हैं ना, जंगली केलों के जो पेड़ होते हैं उनको ये लोग ले लेकर के और लकड़ी से कूद के मार के उसको खाते थे। भूख का सामना इन्होंने बहुत ज़्यादा किया, बहुत छोटी थी तो खेती करना भी नहीं आता था, हाथ छोटा था इनका, छोटे छोटे हाथों से। तब माँ बहुत याद आती थी, तब इनको उनके पिताजी बहुत याद आते थे, और ये बता रही कि जब ये चीज़ें मालूम हुई उनके पिताजी को तो उनके पिताजी बहुत 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 ज़्यादा रोए। ये कह रही हैं कि बोल रहा था ये शादी में, अपनी शादी में ना ये दौड़ के गई, इसलिए क्योंकि बाराती लोग जो थे ना ये गाड़ी से जा रहे थे, तो ये बहुत छोटी थी, इसका बहुत मन किया गाड़ी में जाकर देखने का, और इनको इसलिए ये खुद ही गाड़ी में चढ़ के चली गई शादी में। शादी हो रही थी इसे नहीं पता है। के दो गो नंबर देन ताजमहल का ताजन ऊंच पकड़े सी ऊंच जो ताजमहल आ गया है क्या? आ गया। दो चार पाँच हजार लोग, तो जितना गाड़ियाँ आएंगी, ये रूम से अभी स्टाफ के द्वारा यूज किया जा रहा है, ठीक है, तो वो सेकंड पोर्शन है। तो इस फर्स्ट पोर्शन को बोलते हैं फोर कोर्ट यार्ड एरिया। फोर कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड ग्यारह उधर है, टोटल जोड़ लेंगे तो 22 हो जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 22 साल लगे थे इसको बनने में। ओ हाँ, जब एक साल हो जाते 22,000 मजदूरों, इसी लगे 22,000 मजदूरों ने इसको सारे टूट रूप। सनराइज में वो पिंक दिखता है, सनसेट में देखेंगे तो पेल येलो, मून लाइट में देखेंगे तो मिल्की व्हाइट। आराम से भी क्या वहीं कहूँ बैठेगा।
कैसा लग रहा है मलकिन? बहुत खुशी लग रहा है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो बैठ के देखते रहो उसको। यहाँ से यापा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। यहाँ से याना अलग ही पा अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। यहाँ से यमंग थोड़ा इधर मुड़ो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा? बहुत अच्छा लगा है। लेकिन आपका टोपी तो उल्टा पुल्टा लगा है, थोड़ा लगाने भी जानता भी नहीं है। पोतो मत वाए पोतो मत आगे जी वो मशीन कांगम मलकिन ओन दे चश्मा तो ये पयत एग्जैक्ट सेंटर पार्ट है ये पूरे एरिया का। हाँ, 43 एकड़ एरिया में बना हुआ है, 17 हेक्टर्स में। तो नहीं है, ये थोड़ी सी झुकी हुई है बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ झुकी हुई है। पिक्चर में अगर अर्थ कोई आता है ठीक है, उससे उस कंडीशन में ये बाहर की तरफ गिरे। अच्छा ठीक है, ताकि मेन जो बिल्डिंग है उसको डैमेज ना करें। ऊपर में आप जो देख रहे मैट ठीक है, ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बिल्डिंग है। इंडो इस्लामिक इसलिए मतलब हिंदू और मुस्लिम का मिक्सचर है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको? ऑन द टॉप यू कैन सी द हाफ शेप ऑफ द मून ठीक है, तो जो हाफ मून है वो रिप्रेजेंट करता है इस्लामिक रिलीजन। देन आफ्टर उसके ऊपर में देखेंगे तो ऐसे करके एक कलश रखा हुआ है अर्न, जो हम हिंदुत्व में पूजा पाठ करते हैं। उसके ऊपर में देखेंगे तो अशोक की दो पत्तियां निकली हुई हैं इस तरीके से, लीव्स हैं फुली ट्री की। देन ऑन द एज एज पर देखेंगे तो कोकोनट का डिजाइन दिखाई देगा ठीक है। तो कोकोनट है, ये सब चीजें जो हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करती है, वाइल द आर्चेज आर द सिंबल ऑफ इस्लामिक रिलीजन ठीक है। तो हाफ मून आर्चेज मतलब मेहराब ये बने हुए हैं। तो फिर ये हिंदू और मुस्लिम दोनों का मतलब ये ऐसा इसलिए है क्योंकि शाहजहां की जो मदर थी सी वॉज अ हिंदू लेडी, जगत गोसाई जो जहांगीर की वाइफ थी ठीक है। तो मदर की साइड से उसने थोड़ा सा इसमें हिंदू रखा, बाकी वो खुद तो बाय रिलीजन मुस्लिम था ठीक है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। अनियन शेप डोम प्याज नुमा गुम्बद, क्या बोलते हैं? अनियन शेप डोम प्याज नुमा गुम्बद, कांदा होता है ना उसका शेप है। इस पर यमुना नदी है। हाँ जी मैम, ये पीछे बैक साइड में यमुना है। नदी तो बहुत बेचारी लग रही है। बेचारी हो गई मैम ये, बिल्कुल इसके पीछे देखिए बहुत ही, ये जो जगह देख रहे हैं सामने राजस्थान वाली संगमरमर एक ताजमहल का सहारा लेते लेकर बैठने को मौका मिला है, और क्या चाहिए ना, ऐसा इन्होंने कहा है। इस औरत ने कुतुब मीनार को क्या बोला? तको मीना लाल किला को लाल पीला। क्या लाएगा आपके लिए? आइसक्रीम लाना। आइसक्रीम क्या होता है? आइसक्रीम क्या होता है बताओ। नहीं अभी बोल रहा था ना, ये आइसक्रीम आइसक्रीम क्या है? ये खाने के लिए